हेलो स्टूडेंट, आसर दल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का द्वितीय अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का भाग 8 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। जो भी लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे जो भी श्रमिक जो वर्कर्स हैं, उनको किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको संरक्षण दिया जाए, ऐसे कौन सरकार के द्वारा ऐसा क्या किया जाए जिनको कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रोटेक्शन प्राप्त हो सके, उनके जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं वो उन्हें मिल सके। तो आज हम इन सभी चीज़ों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। संगठित क्षेत्रक अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रक में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हुई है। देखिए, आज हर कोई लोग जो है वो चाहते हैं जो असंगठित क्षेत्रक में जो फैक्टर में जो काम कर रहे हैं सेक्टर्स वगैरह में, वो ज़्यादातर उनकी ये मांग होती है कि उनकी भी ये चाहत होती है कि वे संगठित क्षेत्रक में जाके कार्य करें, क्योंकि वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसमें सारे रूल्स रिस्ट्रिक्शन जो होता है वो फॉलो किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो रजिस्टर्ड होता है, तो सारे जितने भी रूल्स होते हैं जो नियम कानून के तहत ही उनका अनुपालन होता है। तो ये बात सब लोग चाहते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संगठित क्षेत्र में काम करें, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों की जो में जो धीमी गति से बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, मतलब जितना ज़्यादा जो है ये सेक्टर्स का मांग ज़रूर बढ़ा है लेकिन ये रोज़गार प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जितनी पॉपुलेशन है, जितनी हमारी जनसंख्या है, उसके हिसाब से जो है इतने ज़्यादा रोज़गार नहीं हो पाया है, इतनी ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो मोस्टली जो लोग हैं वो कहाँ पे कार्य करते हैं, जो मोस्टली लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में जाके जो है वो काम कर रहे हैं। अब बात आती है कि यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के रूप में काम करते हैं। अच्छा, ये भी होता है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह काम करना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इस तरीके से करके वो अपनी बहुत सारे जो होता है टैक्स की सेविंग्स कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा रूल रिस्ट्रिक्शन उनको नहीं मानना होता है। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे संगठित क्षेत्रक भी है जो कि असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं, मतलब अपने आप को जो है वो रजिस्टर्ड नहीं बताएंगे और इस तरीके से जो होता है वो काम कर रहे हैं, और वह ऐसी रणनीति कर वंचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं, मतलब ताकि उनको टैक्स वगैरह जो है वो ना देना पड़े, जो भी वर्कर्स होते हैं उनको दिए जाने वाले जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, तो वो सारे रूल्स रिस्ट्रिक्शन वो सारी जो है विधियों से बचने के लिए ये भी अनऑर्गेनाइज की तरह कार्य कर रहे हैं। अब इसका परिणाम क्या होता है? परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए, मतलब उनको फोर्सफुली जो है वो उनको असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को क्या है काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और जहाँ पे क्या है, आप जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें बहुत कम सैलरी मिलती है, बहुत कम वेतन मिलता है, प्राय उनका शोषण किया जाता है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट उनको किया जाता है, उनका शोषण होता है, और उन्हें जो है एक अच्छी वेज जो एक उचित मजदूरी होती है वो भी उनको प्रदान नहीं की जाती है, उनकी आय भी कम है और नियमित भी नहीं है। जब उनको जो मिलने वाली जो पैसे है इनकम है, एक तो वो बहुत कम होती है, उनके जीवन निर्वाह के लिए जो है वो उस बहुत अच्छे से उनका जीवन निर्वाह मतलब बहुत मुश्किल से ही चल पाता है, और दूसरी बात होती है कि वो नियमित भी नहीं होती है, अब वो अनियमितता होती है, अब कभी उनको मिल रहा है पैसा, कभी नहीं मिल रहा है, तो ये अनियमितता की स्थिति भी उनके साथ बनी हुई होती है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है, और जो इस प्रकार का जो भी एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें किसी प्रकार कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई सपोर्ट नहीं होता है, उसके अलावा जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं और ना ही इसमें कोई लाभ होता है, तो इसमें इनको मिलने वाला जो है जो बेनिफिट जो वर्कर को मिलता है वो भी लाभ इन्हें प्राप्त नहीं होता है। अब देखिए 1919 की अगर हम बात करते हैं तो से भी यह देखा गया है, अगर हम 1990 की बात करेंगे, सन 1990 की हम बात करते हैं तो 1990 में यह देखा गया था कि संगठित क्षेत्र के बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं और ये लोग असंगठित क्षेत्र में कम वेतन पर काम करने के लिए विवश है। 1990 के बाद एक ऐसा दौर आया जब हमने देखा कि जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें बहुत अधिक श्रमिक जो है वो अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खो रहे हैं, और वो लोग कहाँ पे मजबूर है अब काम करने के लिए, अन्य जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे उनको अब जो मजबूरी में जो है वो कार्य करना पड़ रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे अपना जॉब खो चुके हैं, तो उसे कहीं तो उनको जॉब करना है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, इसलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर जो होता है रुख कर लिए हैं।
अब बात आता है कि अगर संगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है, तो ये बहुत अधिक आवश्यक है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है इस तरीके की सरकार जो है इस प्रकार की रोजगार उनको उपलब्ध करवाए, जिससे कि उनको प्रोटेक्शन भी मिले, उनको सपोर्ट भी मिले, तो उनको गवर्नमेंट सपोर्ट्स वगैरह की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होता है कि देखो ज़्यादातर जो संगठित क्षेत्रक है, अब उनकी उनकी पॉलिसी भी क्या हो रही है कि वो कम से कम वेतन दे के जो है लोगों से काम करवाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, आप एक उदाहरण जानते होंगे कि अधिकतर जो ग्लास फैक्ट्री वगैरह होती है, कांच की चूड़ी के जो कारखाने वगैरह होते हैं, उसमें बहुत छोटे छोटे बच्चों से भी काम करवाया जाता है। तो ये ऐसा काम क्यों करवाया जाता है, क्योंकि क्या है वो जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम मजदूरी में कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस वजह से इन सब कारखानों में बहुत ज़्यादा जो होता है चाइल्ड लेबर, जो बच्चे हैं उन लोग को असंगठित रूप से जो है करवाया जाता है। अब ये संगठित होते नहीं है तो रजिस्टर्ड होते नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं होता इस बारे में, और ये जो है बिना गवर्नमेंट के पता किए जो है इन लोग ये सब कार्य करवाते हैं। अब इनको क्या होता है कि जो ये लोग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उन्हें कम मजदूरी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका उत्पादन होता है। तो इसीलिए अब सरकार की जिम्मेदारी भी है कि वो जो असंगठित क्षेत्रक है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है अधिक रोजगार की ज़रूरत के अलावा एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे जनरेट करे, लेकिन उनके काम करने वाले जो वहाँ के लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दे और उनको सपोर्ट भी करे। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम सबसे पहले बात ये देखेंगे कि कौन कौन से आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग आखिर हैं कौन कौन से, तो आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों ग्रामीण क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे मुख्यतः कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे कि जो लोग हैं जिसे कि हम असंगठित क्षेत्र में रख सकते हैं, तो ये होते हैं भूमिहीन कृषि श्रमिक, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती है और वो लेबर की तरह जो है दूसरों की भूमि पर कार्य करते हैं। तो ऐसे करने वाले जो किसान होते हैं, जो मजदूर होते हैं, वो सब भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा छोटे सीमांत किसान होते हैं, फसल बटाईदार होते हैं, कारीगर होते हैं, कारीगर में जैसे आप बुनकर को ले लो, लोहार होते हैं जो कि लोहे वगैरह का काम करते हैं, बढ़ई होता है जो कि आपका लकड़ी का काम करता है, सुनार है। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र के रूप में मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। और क्या होता है कि देखिए, जो भारत में अगर 80% जो किसान होते हैं वो सीमांत किसानों की और छोटे छोटे किसानों की श्रेणी में आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो थर्ड जो सेक्टर है उसका प्रतिशत है। लेकिन अगर हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें, रोजगार की दृष्टि से देखें, तो सबसे ज़्यादा 50% लोग जो है वो आज भी किस पर डिपेंड होते हैं, वो फर्स्ट सेक्टर पे जो है, जो आपके प्राथमिक क्षेत्र है उस पर डिपेंड होते हैं, और जिसे हम कृषि क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी उनको जानते हैं। अब वो 50% जनसंख्या को रोजगार मिल रहा है प्राथमिक सेक्टर से, और उसमें से भी आप देखिए कि जो 80% लोग हैं वो ग्रामीण छोटे और मतलब बहुत छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आ रहे हैं, मतलब कि वो असंगठित क्षेत्र के लोग में कार्य कर रहे हैं। तो ये बहुत शोचनीय है, तो इस स्थिति में बदलाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरणों, साख भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है। तो अब गवर्नमेंट को जो है इसके लिए बहुत अधिक आवश्यक है कि वो किसानों को समय पर बीज दे, सीड उपलब्ध कराए, उनके लिए कृषि के जो भी उनको उपकरण चाहिए ताकि वो ज़्यादा अच्छे से अपनी कृषि कर सके, तो वो उपकरण को उपलब्ध हो, उनके लिए क्रेडिट या साख की जो आवश्यकता होती है तो वो सब उपलब्ध कराए, भंडारण की सुविधा मतलब स्टोरेज की जो बात है वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे स्टोरेज होना चाहिए, विपणन केंद्र है कि उनके लिए जो है मार्केटिंग आउटलेट्स वगैरह की भी उनको आवश्यकता होती है, तो ये सारी की सारी जो सुविधा है वो उपलब्ध यहाँ पे होनी चाहिए और इनकी उन्हें ज़रूरत है। अगर ये ज़्यादा फैसिलिटी गवर्नमेंट देगी तो इससे जो है वो लोग ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकेंगे। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं, चलो तो इनको समझने का प्रयास करते हैं। मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिक जो होते हैं, जो निर्माण है, व्यापार और परिवहन में कार्यरत जो आकस्मिक श्रमिक, और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। तो अगर हम शहरी क्षेत्रों की, अगर हम अर्बन एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, तो मुख्य रूप से क्या होता है वहाँ पे, आप जानते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है, जो बहुत छोटे छोटे स्तर पर जो लघु उद्योग होते हैं, तो वहाँ काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो भी श्रमिक
श्रेणी में आते हैं। व्यापार और परिवहन में कार्यरत जो आकस्मिक श्रमिक होते हैं, मतलब कैजुअल लेबर जो है जो कि यहाँ पे कार्य करते हैं, वो सब आते हैं। और सड़कों पर आपने देखा है कि सड़क के किनारे ठेला लगाकर बहुत सारे लोग जो है विक्रेता का काम करते हैं, बहुत सारी वस्तुओं को बेचते हैं। सिर पर बोझा ढोने वाले, जैसे आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो आपको पता है कि जो कूली होते हैं वो सब हैं। इसके अलावा वस्त्र निर्माण करने वाले, कबाड़ उठाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्रों में दिखते हैं। तो ये सारे के सारे भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोग होते हैं जो यहाँ पे कार्य कर रहे होते हैं। लघु उद्योग को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं अगर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है तो उसके लिए जो होता है, उनके लिए एक अच्छे प्रोडक्शन के लिए, एक मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए उनको गवर्नमेंट के हेल्प की आवश्यकता होती है, सरकारी मदद की आवश्यकता होती है, अपने कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रोडक्शन करने के लिए, और उसको जो होता है मार्केट में सही दाम पे जो होता है उनके लिए एक मार्केट उपलब्ध कराने के लिए। तो गवर्नमेंट को इस ओर अवश्य ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो होता है आकस्मिक जो श्रमिक होते हैं, जो कैजुअल लेबर होते हैं, वो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दोनों क्षेत्रों में उनके संरक्षण दिए जाने की ज़रूरत है, मतलब उनके प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं उनके राइट्स जो है, जो उनके अधिकार है, उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। तो हम ये भी देख सकते थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रमिक होते हैं, या तो वो ST SC में होते हैं, SC में होते हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर आपका बैकवर्ड क्लास जो होता है, जो पिछड़ी जाति वगैरह होती है, तो इसमें से ज़्यादा लोग होते हैं जो कि असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं और उनको जो है रोज़गार यहाँ पर मिलता है। तो ये श्रमिक जो है वह अनियमित और कम मजदूरी पर काम करते हैं। आपको पता ही है बच्चों, अभी आप समझ ही गए होंगे कि जो भी असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे छोटे जो कारीगर जो मजदूर होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कोई फिक्स सैलरी तो होती नहीं है, कभी कभी उनको सैलरी मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, बहुत सारी चीज़ों पर ये निर्भर करता है, और उन्हें बहुत कम वेतन भी दिया जाता है। जितना ज़्यादा वो श्रम करते हैं उसके हिसाब से उनको वेतन नहीं मिल पाता है। और काम करने के अलावा जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी होती है कि सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं, समाज में उनके साथ जो होता है भेदभाव की नीति अपनाई जाती है, तो इसका भी जो होता है वो शिकार होते हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। इसलिए बहुत अधिक आवश्यक है कि गवर्नमेंट जो है, सरकार और लोग भी इस ओर पहल करें कि उन्हें आर्थिक चीज़ें जो है वो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराए, और समाज का भी ये दायित्व बनता है कि उनका सामाजिक भी जो होता है, जो भेदभाव है वो इस तरीके का दृष्टिकोण नहीं अपनाएं, और उनके असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके हितों को संरक्षण दिया जाए, और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट उनको हो, उनको सहायता प्रदान की जाए। तो इस प्रकार से बहुत आवश्यक हो गया है कि जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है उनके आर्थिक लाभ को भी देखा जाए, उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जाए, और उन्हें सामाजिक स्तर पर भी जो है उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति जो है उसको त्यागा जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के लिए। सो वॉट डिड वी लर्न टूडे, आज हमने क्या पढ़ा और क्या समझा? तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं, जो असंगठित संगठन होते हैं, उसमें काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको किस प्रकार से हम संरक्षण प्रदान करें, हाउ टू प्रोटेक्ट, हम उनको कैसे प्रोटेक्ट दें और उनको कैसे सपोर्ट करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत आवश्यक है कि वो कुछ नीतियों का पालन करे ताकि इनके हितों को संरक्षण मिल सके, इनके राइट्स को भी जो है वो संरक्षण प्रदान किया जाए, और साथ ही साथ सोसाइटी में जो उनके साथ भेदभावपूर्ण नीति की जो बर्ताव किया जा रहा है उससे भी दूर करने की आवश्यकता है। तो आर्थिक और सामाजिक स्तर पर अगर सुधार होगा तभी जो है असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले जो श्रमिक हैं उनकी दशा में सुधार संभव है।